सुना मुना, अब तुम्हारी अंबाजी की सिर्फ बहू ही नहीं, दामाद भी पंजाबी आएगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। करो करो ये अनर्थ, फिर बाद में मेरे पास मत आना। हाँ कह दे रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी, अरे इस पाप में हम क्यों भागीदार बने। कल तो कहे कि सब लोग पंजाबी सूट पहनो घर में, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले, हम भले ही लड़की वाले हैं और वो लड़के वाले, लेकिन हम उनके सामने नहीं झुकेंगे। मेरी हेतल के लिए रिश्ता लेकर उन्हें यहाँ आना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने करणवीर जी की बात करी, बहुत शादी से बचते फिरते हैं ना, पर इस बार नहीं छोड़ेंगे उन्हें। हाँ पक्का शादी करा ही डालेंगे भाई गॉड। थोड़े शर्मीले हैं, कम बोलते हैं, लेकिन ये तो मना नहीं करेंगे ना कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं। लेकिन मोना तेनू पक्का पता है कि करण को लड़की पसंद है? हाँ हाँ तो बिल्कुल पक्का पता है, देखा नहीं कितना ख्याल रखते है। हाँ वो तो है, पता है मैंने पैम भी कह रही थी। हाय मोना, मैं क्या, हम तो हर जगह ढूंढ रहे थे लड़की के लिए, लड़की तो हमारे आंखों के सामने ही थी। लो लड़की तो हमारी आंखों के सामने थी और हम पता नहीं काका ढूंढ रहे थे। अरे डिम्पी ये तो सियापा होने जा रहा है। ओए तू तो अपनी पैम को इस घर की बहू बनाने के सपने देख रही है, लेकिन ये मोना की बच्ची तो अलग ही चक्कर चलाने पे तुली हुई है। सुन अपना अपने सारी दिल की बात कह रहा हूं। करण और हेतल को मिलाने ले जा रही है। जा। और अगर पैम की शादी इस घर में ना हुई तो जेल में चक्की पीसती हुई नजर आएगी। तू भी और तेरी बेटी भी। कैसी हैं आप? मेरा मतलब है आपका पैर। अरे करण पुत्र, मैं क्या, तू इधर क्या कर रहा है? हेतल मैं क्या मुबारक हूँ? मुबारक? वे? तेरी शादी फिक्स हो गई है? आपको भी पता है? हाय ले कैसी बातें कर रही है तू। भाई हमारे घर में मोना रानी जो आती रहती है, जब आती है सारा तुम्हारे घर का ना डिंडोरा पीट जाती है। ये यहाँ क्या कर रही है? माय गॉड डिम्पी मासी, तुसी यहाँ क्या कर रहे? चलो चलो यहाँ से चलो, मुझे बात करनी है इनसे। कोई बात नहीं, बाद में करना, मम्मी जी बुला रही। तुम मुझे क्यों खींच रही है? कांग्रेट्स, आप खुश है ना इस रिश्ते से? खुश हूं मैं। तुम पागल हो बिल्कुल। बड़ी जल्दी बात हो गई तेरी। मुझे आपसे कुछ कहना है चाहिए जी। बोल पुत्र। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो तुझे पैम पसंद है? मैंने कहा ना चाहिए जी, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है। सॉरी की कह रही थी तू। ओ तेरी टिम्पी मासी और पैम ना खुशी के मारे पागल हो गए हैं। हाँ बस, पर तू बड़ा चंगा काम किता है मोना, करणवीर जी से हाँ कहलवा के। हाँ करणवीर जी ने हाँ कहती? हाँ तो फिर डिम्पी मासी की हंसी से नहीं सुनाई दे रहा तुझे? अच्छा मम्मी जी, मैं ये खबर ना अम्बा जी को देकर आती। ठीक है बाद में गल कर दिया, बाय। अम्बा जी कुछ खबरी है? हाँ हो गई है अम्बा जी। सच? मेरे घर वाले तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है अगर हेतल की शादी उस पंजाबी घर में होती है तो इस घर से वो सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। जो रिश्तेदार मेरी बेटी की खुशी में खुश नहीं है, ऐसे रिश्तेदारों से नाता रखकर हमें कोई लाभ भी नहीं है। अरे अपनी बेटी की खुशियों की दुहाई मांगने वाली, तुम ये भूल गई कि हमारी हेतल मांगलिक है और करण मांगलिक नहीं हुआ तो? अरे बा कोई गल नहीं, हमारे घर में ना ये मांगलिक शांगलिक नहीं मानते भाई को। हमारे घर में मानते हैं, ये मेरी हेतली की जिंदगी का सवाल है, समझी ना? सोचो भारती, अगर हेतल और करण के ग्रह सचमुच बुरे निकले तो तुम अपने हाथों अपनी बेटी का अनर्थ कर दोगी? जब तक दोनों की कुंडली नहीं मिल जाती, मेरी तरफ से ना है।